अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है बच्चों? काउंटिंग याद की है जो कल मैंने दोबारा करवाई है? मैंने इसलिए करवाई है कि अगर किसी बच्चे को नहीं आती तो दोबारा उसके स्पेलिंग याद करना है, ठीक है? कल हम लोग ने कहा था की थी 1 से लेकर 10 तक की, तो आज हम लोग आगे 11 से लेकर 15 तक करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, कापी का पेज रेडी करोगे, सी डब्ल्यू लिखोगे, आज क्या डे है सैटरडे, आज क्या डेट है 22 है, ठीक है? वर्ड को पहले लाइन पर लिखोगे, आज हम लोगों ने क्या करना है, 10 के बाद क्या आया था 11, ई एल ई वी ई एन 11, और ऐसे आप आगे 11 लिखोगे, टी डब्ल्यू ई एल वी ई 12, टी एच आई आर टी डब्ल्यू एन 13, एफ ओ यू आर 4, टी डब्ल्यू एन 14, एफ आई एफ ई टी डब्ल्यू एन 15, ठीक है? बस मैं आप लोगों को 15 तक दे रही हूँ कि इनके स्पेलिंग थोड़े से लंबे हैं, तो आप लोगों ने दोबारा से अच्छी तरह याद कर लें, ठीक है? उसके बाद जो हम लोग बुक का काम करेंगे, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, शेप्स का पढ़ा था ना, आज हम लोग वही करेंगे काम। मैथ की बुक का पेज नंबर 45 है, ये देखो मैंने आप लोगों को कल क्या बोला था कि आप लोगों ने शेप्स जो है वो याद रखने और इनके नेम भी याद रखने। अब मैच दी शेप्स, ठीक है? आप लोगों ने क्या करना है, ज्वाइन दी ऑब्जेक्ट्स दैट हैव दी सेम शेप्स, अब जो सेम शेप वाले हैं ना वो आप लोगों ने उन्हें मिलाना है। अब ये देखो, जैसे देखो ये स्फीयर है ना, तो उसको ऐसे उन्होंने मिला दिया है, ये तीनों स्फीयर है। अब ये देखो ये क्यूब्स हैं, तो ये नीचे भी क्या क्यूब्स हैं, तो आप क्या करोगे, ये वाला का ये भी क्यूब्स है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ पे मैच करना है, फिर आगे ये भी क्यूब शेप में है, इसको भी ऐसे मैच कर देना, ठीक है? अब नीचे आओ, कौन शेप कौन सी है, ये वाली भी कौन शेप है, ये भी कौन शेप है, इसको ऐसे मिला देना आप लोगों ने, ठीक है? अब ये कौन सी है, ये कौन सी शेप थी बच्चों, क्यूबर्डीज, ठीक है? इसको आप लोगों ने ऐसे मिला देना है, ठीक है? आसान सी है, ऊपर से देखा आप लोगों ने शेप्स मैच करनी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।